सोसाइटी की तरफ से, आज सिविल सोसाइटी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है बेगुनाह लोगों को मारने का, और हम सब ईस्ट मंडल की तरफ से उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं वहां के सो कॉल्ड लीडर्स को भी, आप लोग क्यों बंद दरवाजे के अंदर बैठ के खाली कंडोनेंस की लेटर देते हैं? सिविल सोसाइटी जो कश्मीर के अंदर है, ह्यूमन राइट्स वाले, ये क्यों नहीं सड़कों पे आते? जब कोई आतंकवादी मरता है तो ह्यूमन राइट्स वाले सड़कों पे आते हैं। आज बेगुनाह हिंदू और हिंदुस्तानियों के वहाँ कत्ल किए जा रहे हैं, तो आज क्यों नहीं लोग सड़कों पे आ रहे? सिविल सोसाइटी को चाहिए, नेतागणों को चाहिए, सड़कों पे आओ, उन परिवार वालों के साथ खड़े हो। आज राहुल गांधी कहाँ है जो कहते हैं मैं कश्मीरियों का भाई हूँ? आज क्यों नहीं उसका बयान आता? क्यों नहीं कश्मीर उस फैमिली के साथ बैठता? ओबीसी जो पूरे देश भर के अंदर जहर घोलने का काम करता है, आज क्यों नहीं बेगुनाहों के लिए आके कश्मीर में बैठ रहा? मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां पे, आज सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रोटेस्ट है, और ईस्ट के जो हमारे सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे जो जनमान्य व्यक्ति हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने यहाँ से जा रहे हैं। तय किया कि पूरी दुनिया में अशांति फैलानी है और मिलिटेंसी को जन्म दाता है जो अफगान, उनमें भाई का लाल पैदा नहीं हुआ जो जम्मू कश्मीर को अपने कब्जा में ले सके, क्योंकि हम लोग शांति के पुजारी, हमारे साथ ये जो हरकतें करना शुरू कर दी है हमारे बेगुनाह लोगों को, जो प्रोटेस्ट रखा है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इमरान खान के खिलाफ है, ISI के खिलाफ है, जो उन्होंने कश्मीर में जो है वो किलिंग्स करी हैं। हम इस मंच से उनको ये पूछना चाहते हैं कि वो क्या दर्शाना चाहते हैं कि इससे वो मिनोरिटीज को डरा देंगे? कल उन्होंने एक सिख बच्चे की जो है वो हत्या कर दी, वो सिख बच्चे किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा हुआ था? और मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो सिख कम्युनिटी है ये उनसे डरने वाली नहीं है, ये उनकी औलादे हैं, माता भागो की, माता गुजरी की, माता खीवी की हम बच्चियाँ हैं। और उनको मैं ये बतला देना चाहती हूँ कि हम 2% में के जो है 200% के बराबर हैं। और आज मैं पाकिस्तान को इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि वो ये ना सोचे कि जम्मू कश्मीर में जो है वो मिनोरिटीज़ को इस तरह डरा देगा, इस तरह जो है वो जो है अपना आतंकवाद इधर फैला देगा। मैं आज इस मंच से राहुल गांधी को भी ये प्रश्न पूछती हूँ कि राहुल गांधी, जब तुम जम्मू कश्मीर में आते हो तो अपने आप को कश्मीरी पंडित कहलाते हो, जब तुम इलेक्शंस लड़ते हो तब अपने आप को तुम हिंदू कहलाते हो, अरे अपना DNA टेस्ट तो करवाओ कि तुम किस प्रजाति से जो है वो बिलोंग करते हो। आज किस कश्मीरी पंडित के घर में तुम आए हो? आज कश्मीर की जो सियासत है, जो गुपकार ग्रुप है, आज वो क्यों शांत है? मैं ह्यूमन राइट से ये क्वेश्चन पूछती हूँ इस मंच से कि जब भारत खिलाफ कोई भी बातें होती हैं तब तो वो आगे आ जाते हैं, आज ह्यूमन राइट्स जो है वो चुप क्यों है? आज मैं ये प्रश्न पूछती हूँ इमरान खान से कि आज तुम्हारे जो मन में जो है वो जो स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट है वो कहाँ पर सोई हुई है? इस मन से जो मैं पाकिस्तान को जो है उनको मैं ये पूछती हूँ कि हिंदुस्तान का जो ताज है जम्मू कश्मीर को, उसको कोई भी कुचल नहीं सकता। हम जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो मिनोरिटीज हैं, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, हम सब एक हैं और हम यहाँ पर भाईचारे को जो है वो टूटने नहीं देंगे। सुबह एक प्रिंसिपल की और एक टीचर दीपक चंद, उनकी जो एक निर्मम हत्या की गई थी, इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी संगठनों ने महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के नीचे एक कार्यक्रम रखा है। आज आप देख रहे होंगे कि सुबह से ही और कल से ही रादर लोगों के बीच में आक्रोश है। एक अच्छा वातावरण DDC के चुनाव के बाद बना था, एक शांतिपूर्ण वातावरण बना था, टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे समय में पाकिस्तान के इशारे पर जो टेररिस्ट काम कर रहे हैं उन्होंने तशद्दुद का एक वातावरण बनाने की जो है वो कोशिश की है। हम लोग सब इसकी वर्षना करते हैं, निंदा करते हैं। जिन लोगों ने भी ये वाक्य को अंजाम दिया है
उन लोगों को भी जल्द से जल्द जो है इस अंजाम को भुगतना पड़ेगा और किसी भी सूरत में उन लोगों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। मेरा पेशा एडवोकेट है और बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। ये तो बहुत निंदनीय बात है जी, निंदनीय घटना हुई है और इससे जो पहले भी ऐसे अटेम्प्ट किए गए हैं मराठी कम्युनिटी को टारगेट करके उनको किलिंग की गई है और ये ऐसे हालात मिलिटेंट्स दोबारा पैदा करना चाहते हैं ताकि मराठी कम्युनिटी वहाँ से माइग्रेट हो जाए और ये कश्मीर को पूरा इस्लामिक स्टेट बनाना चाहें। पहले भी वो कामयाब नहीं हुए, अब भी नहीं होंगे। हमने एक तो मिलजुल के रहना है, कोई अच्छे हालात पैदा करने हैं, हालात ख़राब ना हो। और मैं खास करके मेजॉरिटी कम्युनिटी जो वहाँ रह रही है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वक्त है कि वो सामने आएँ ताकि ऐसे हालात ना बन सकें। ये मेरी इतनी